दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अब केवल 2 महीने बचे हुए हैं। इन 2 महीनों में अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से हमारे रिसोर्स होने चाहिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इससे ज्यादा मायने रखता है कि हम अब अंतिम ये जो 2 महीने बचे हुए हैं इनमें अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और जो प्रीलिम्स कट ऑफ है, आप जानते हैं कि 68th बीपीएससी में जिस तरीके से पैटर्न एग्जाम पैटर्न बदला, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई, तो उसकी कट ऑफ जो है रिड्यूस हो गई थी। तो अब जो कट ऑफ है वो 68th बीपीएससी की गई थी 91 पॉइंट समथिंग, यानी 92 कट ऑफ गई थी। तो अब हमको कट ऑफ जो हमारी रेंज होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो मोस्टली 100 क्वेश्चन जो है होने चाहिए नेट में, नेगेटिव मार्किंग हटा के। तो 100 क्वेश्चन का एक टारगेट रखेंगे और ये टारगेट कैसे अचीव कर पाएंगे, हमारे कौन से रिसोर्स होने चाहिए, वो सारी चीजें तभी आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे जब आप 68th बीपीएससी क्वेश्चन पेपर का बहुत ही अच्छे से सब्जेक्टिव वाइज जो है एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और हमें किन सब्जेक्ट को अधिक वेटेज के साथ पढ़ना है। प्रीलिम्स एग्जाम को निकालना, खासकर बीपीएससी, इसमें एक स्मार्ट तैयारी जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बीपीएससी में सेगमेंट है जहां पर हम अत्यधिक मेहनत करके कम समय में भी इस बीपीएससी प्रीलिम्स की कटाफ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, 68th बीपीएससी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे विद सब्जेक्ट वाइज, देखेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और इनके लिए कौन से रिसोर्स यानी बुक्स होनी चाहिए अब इन 2 महीनों में पढ़ने के लिए। अगर आप इनको अपनी तैयारी में शामिल करते हैं तो यकीनन आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे। बहुत से बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन अगर एग्जाम का एनालिसिस नहीं करते हैं, अपनी तैयारी को स्मार्टली नहीं करते हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ से जो है दूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स से नहीं लेकिन कुछ मार्क्स से वो दूर हो जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ भी सुझाव हो उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बाकी वो आईएएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए ही या प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। मेंस के लिए भी हमने क्लासेस प्रोवाइड की है, जीएस पेपर 1 और एसए की, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। आप उन लिंक के माध्यम से उन क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 68th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है सीरीज बी, हमने इसको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है। बदलते एग्जाम पैटर्न, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से अब हमको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इन लास्ट 2 मंथ में और किन सेगमेंट को अधिक ध्यान देना चाहिए इस प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ को निकालने के लिए, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है साइंस है। आप जानते हैं जनरल साइंस जो है बीपीएससी एग्जाम में इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 68th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ये आप देखेंगे ये हमारे पास सीरीज बी है 68th की, इसमें 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग के केवल साइंस सेगमेंट के ही है। तो 30 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ का लगभग यहां से 30% जो है कवर हो रहा है केवल साइंस सेगमेंट से। इसलिए साइंस सेगमेंट को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप कट ऑफ के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। साइंस सेगमेंट में 3 पोर्शन होते हैं, एक फिजिक्स होती है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। इससे पहले बीपीएससी जो था वो बायोलॉजी पर अधिक ध्यान देता था, बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन होते थे, लेकिन 68th बीपीएससी में क्या किया इन्होंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसका वेटेज जो है इक्वली रख दिया। यानी अब आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी पढ़नी है। फिजिक्स से लगभग 9 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री से भी 9-10 क्वेश्चन थे और बायोलॉजी से 11 क्वेश्चन थे। तो देख रहे हैं इनका वेटेज जो है इक्वली है, इसलिए अब हमको साइंस सेगमेंट में इक्वली मेहनत करनी होगी। अब इनके लिए बुक्स कौन सी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको कट ऑफ निकालना है तो मेहनत के साथ साथ में अच्छी बुक्स का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपको साइंस के लिए बहुत सारे टीचर एनसीईआरटी बुक रिकमेंडेड करते हैं, नो डाउट एनसीईआरटी बुक अच्छी होती है, लेकिन शायद उन्होंने स्वयं एनसीईआरटी बुक को कभी नहीं पढ़ा होगा। एनसीईआरटी बुक अगर आप 9 से 12 तक की पढ़ेंगे अभी इन 2 महीनों में तो केवल आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप 9-10 की एनसीईआरटी तो अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन 11-12 की एनसीईआरटी आपको हवा भी नहीं लगेगी। आप पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वहां पर मेहनत बहुत है लेकिन उसका आउटपुट बहुत ही कम है। नो डाउट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जगह जो आप बुक पढ़ सकते हैं आसान भाषा में है और जल्दी उसको कवर कर सकते हैं इन महीनों में, वहां पर कम मेहनत करके भी ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, वो बुक है लूसेंट की, सामान्य विज्ञान की। ये आप बुक देख रहे हैं, ये सामान्य विज्ञान की स्पेशल बुक आती है लूसेंट की। ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती है, एनसीईआरटी के ही इसमें सारे तथ्य होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई गई बुक है और यहां से बीपीएससी के क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं और हमको कट ऑफ के लिए इतना ही चाहिए। हमको जो 2-3 क्वेश्चन जो बहुत कठिन है, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही केवल है, इस बुक में नहीं है, तो उन क्वेश्चनों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। हमको देखना है कि हम एक बुक पढ़ के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अगर अटेंड कर पा रहे हैं तो उसी बुक को बार बार रिवाइज करना है। तो लूसेंट की सामान्य विज्ञान को आप इस साइंस के लिए तैयार करेंगे और साथ में प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपने फिजिक्स को कंप्लीट इस बुक से पढ़ लिया तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की बुक आती है जिसमें स्टेट वाइज जो है
जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जो अन्य एग्जाम होते हैं, उनके पीवाईक्यू होते हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो लूसेंट और घटना चक्र को अगर आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इस पर अच्छी कमांड कर लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन में आसानी से आप 25 से 26 क्वेश्चन कर पाएंगे। इवोक आईएएस के क्लासेस जो हैं वो लूसेंट की समान विज्ञान और घटना चक्र का एक कंपाइलेशन ही है, तो इसलिए रिवीजन के तौर पर आप क्लास को देख सकते हैं। यानी आपने बुक पढ़ी और अब आपके पास खाली समय है, यानी आप ट्रैवल पर हैं, आप लंच करके आप थोड़ी देर आराम कर रहे हैं सोते समय, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने साइंस को पढ़ा और साथ में इन क्लासेस को भी देखते रहिए, तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य होते हैं वो भी आपको एडिशन में मिल जाएंगे। तो इवोक आईएएस की जो क्लासेज हैं वो बेसिकली बदलते एग्जाम पैटर्न और एग्जाम के डिमांड के अनुसार ही सारी क्लासेज होती हैं। महत्वपूर्ण बुक्स जो हैं उनका एक कंपाइलेशन होता है एक नोट्स फॉर्म में, आपको समझाने की कोशिश की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं तो आप क्लास के साथ साथ में इन बुक्स को शामिल करेंगे तो साइंस में अच्छा करेंगे, 25 से 26 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री से आते हैं 35 क्वेश्चन, जिसमें शामिल होती है बिहार स्पेशल की हिस्ट्री और हमारी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री, ये तीन पार्ट होते हैं। ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत का इतिहास है यहां से 15 क्वेश्चन होते हैं, और बिहार स्पेशल जो आधुनिक भारत आधुनिक इतिहास है वहां से 8 क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन आपसे आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें बिहार स्पेशल भी शामिल होता है। दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आपको भारत का मध्यकालीन इतिहास जहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बिहार का जो मध्यकालीन इतिहास है यहां से 2 क्वेश्चन थे। उसी तरीके से एंशियंट में प्राचीन भारत के इतिहास से भी 4 क्वेश्चन थे, और बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वहां से 2 क्वेश्चन थे। तो मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री से बिहार और भारत के इतिहास को मिला लेते हैं तो 12 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं, इक्वली 66 क्वेश्चन। और मॉडर्न हिस्ट्री से जिसमें हम लोग भारत और बिहार के इतिहास को शामिल करते हैं तो यहाँ से 23 क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो अब इनको किस तरीके से हमको तैयार करना है, किन बुक्स को पढ़नी है, तो बिहार के लिए जो एक बुक आती है स्पेशल आती है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ बिहार समग्र केबीसी की बुक होती है, बहुत ही अच्छी बुक है, पॉइंट फॉर्म में बुक है। इससे पढ़ने से क्या होता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनती है और आपको लंबे समय के लिए तथ्य याद होते हैं। दूसरी एक बुक है बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ बुक आती है, इसको पढ़ने से क्या होता है कि हम ज्यादा मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। अगर आप इन दोनों बुकों को शामिल करते हैं, जैसे जो देख रहे हैं इसमें 8 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं किससे, केवल मॉडर्न हिस्ट्री से, तो बिहार समग्र को हमने मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे से पढ़ लिया है। साथ में अगर हम बिहार परिचय की वस्तुनिष्ठ बुक आती है इससे जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इन दोनों बुकों का कंपाइलेशन भी हो सकता है, एक ये भी तरीका अच्छा होता है। दूसरा तरीका क्या है, जो कम समय है 2 महीने केवल हमारे पास बचे हुए हैं, तो उसमें केवल आप बिहार समग्र की बुक लीजिए केबीसी की। लेकिन अगर आपने बिहार परिचय और इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ रखी है तो आप इस बुक को नई मत खरीदिए, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं ली है तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। इन 2 महीनों में केबीसी की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इस पर रिलाई करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे। मैं इन दोनों बुक में एक बुक को रिकमेंडेड करता हूं, या तो या। अगर आपको अभी पढ़ना है, अभी आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो फर्स्ट जो आपकी चॉइस होनी चाहिए वो बिहार समग्र होनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया है, इम्तियाज अहमद की बुक को पढ़ लिया है, तो अब आपको बिहार समग्र या केबीसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जिस भी बुक से कुछ पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री पे आए तो स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी होती है। जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है उनके लिए तो अच्छा है कि आप स्पेक्ट्रम को अपना रिवीजन कीजिए उसका, लेकिन जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो प्लीज अब स्पेक्ट्रम की बुक को मत लाएं, अब केवल और केवल लूसेंट बुक को उठाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री तीनों के लिए, और साथ में जो है घटना चक्र को सॉल्व कीजिए, आप मैक्सिमम हिस्ट्री में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगर इन 35 में से 25 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो इनफ है, वो आपकी कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे यहीं से ही। तो स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, साथ में घटना चक्र लगाइए। लेकिन जिन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़े, और मेडिवल एंशियंट के लिए सभी बच्चे लूसेंट को जरूर प्रेफर करें और उसके साथ घटना चक्र लगाए। मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी इसलिए रिकमेंडेड नहीं करता हूं क्योंकि वहां पर मेहनत ज्यादा है और उसका आउटपुट कम निकलता है। कारण यह है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ठीक है, उन्होंने पहले से पढ़ भी रखी होगी तो अब उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे बिहार स्पेशल तैयारी करते हैं तो मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ें। प्रॉब्लम यह होती है कि इनका जो वेटेज है वो हमारे मेंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो हमको लूसेंट की बुक में मिल जाती है, और साथ में घटना चक्र लगा लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से फंस जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में आपका मेंस में कोई रोल नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पटना, पाल और मौर्य कला पूछी जाती है, वो भी आपकी जो एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक है उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम क्यों यहां पर अपना टाइम वेस्ट करें।
प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन हमको चाहिए वो लूसेंट और घटनाचक्र की किताब में मिल जाते हैं, तो हम इनको डिनाई कर देते हैं एनसीईआरटी के लिए। और रही बात मॉडर्न हिस्ट्री की, एनसीईआरटी विपिन चंद्रा की अच्छी बुक है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है यहां से तथ्य निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, लूसेंट या स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी होती है, तथ्यात्मक बुक होती है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम या लूसेंट को पढ़ें, साथ में घटनाचक्र लगा लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाते हैं। हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए। तो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वहां से मैच करेंगे तो आपको बहुत ओवरलैप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के भी 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चनों में नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स होती है, दूसरे बिहार करंट अफेयर्स, बजट आर्थिक सर्वेक्षण को भी हमने इसमें शामिल किया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से लगभग आपके 23 से 24 क्वेश्चन होते हैं और बिहार करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की घटनाओं में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का कहां से तैयार करें, तो लास्ट 6 मंथ की प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी अप्रैल से सितंबर तक का जो एडिशन आएगा प्रतियोगिता दर्पण का उसको आप पढ़िए, और साथ में इसके साथ एक बुक को और पढ़ना होगा, उसमें चाहे आप घटना चक्र शामिल कीजिए, घटना सार शामिल कीजिए या स्पीडी या इजुटेरिया। स्पीडी या इजुटेरिया जो है एक दूसरे का ही कह सकते हैं मिला जुला रूप है, तो आप स्पीडी जो है वो मैं यूपीएससी या सिविल सर्विस अन्य एग्जाम जो होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं करता हूं, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में स्पीडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण के साथ स्पीडी को शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं फिर से कहता हूं ये जो चार बुक है चारों ही इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता दर्पण के साथ किसी भी एक बुक को पढ़ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको घटना चक्र की बुक अच्छी लगती है तो घटना चक्र को पढ़े प्रतियोगिता दर्पण के साथ, घटना सार अगर आपको पढ़ने में मजा आता है तो उसको पढ़े, यानी आप जिस बुक में कंफर्टेबल है पहले से आप पढ़ रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण के साथ में किसी इन चारों बुक्स में किसी एक बुक को साथ में पढ़ेंगे तो आपको यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा बिहार करंट अफेयर्स की घटनाओं के लिए ईओकेआईएस पर आपको मंथली करंट अफेयर्स घटनाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, हमने अप्रैल मई जून और मार्च इन चार महीनों की घटनाएं पढ़ ली हैं और आगे जो है वीडियो क्लासेस के माध्यम से अन्य मंथ को भी कवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बुक को पढ़ना चाहते हैं तो दो बुक ही आती हैं बिहार करंट के लिए अच्छी बुक, जिसमें स्पीडी आती है दूसरी इजुटेरिया की आती है, तो इन दोनों में से किसी एक बुक को शामिल करें और साथ में वीडियो क्लासेस देखें तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। इन 35 क्वेश्चन में मैं फिर से कहता हूं अगर आप 25-26 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए सही ढंग से करंट अफेयर्स की घटनाओं को आपने कवर कर लिया, और इतना ही कट ऑफ के लिए चाहिए भी। तो अगर करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं इतना पढ़ के, और हिस्ट्री से जो है 25 से 26 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, और साइंस से 25, तो आपके 75 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। और इन तीन सेगमेंट पे हमको बहुत ही अच्छी कमांड करनी होगी, साइंस जनरल साइंस के लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान की जो स्पेशल आती है, और घटना चक्र हिस्ट्री के लिए घटना चक्र को बहुत ही थ्योरी लगाएं, यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी नोट्स फॉर्म में जो आपको पढ़ना है क्लासेस भी आपको पूरी हिस्ट्री के प्रोवाइड की गई हैं, तो आप लोग रिवीजन के तौर पर उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, साथ में लूसेंट बुक को आप लोग पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से 35 में से 25 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र केबीसी नैनो की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद की बुक आती है वो। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लास्ट 6 मंथ की जरूर पढ़ें, पूरे वर्ष की प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़नी है, फिर से मैं कह रहा हूं लास्ट 6 मंथ की प्रतियोगिता दर्पण, और ये जो चार अन्य मैगजीन है इनको इसके साथ में मिलाकर पढ़नी है कोई एक। बिहार के लिए आपको क्या पढ़ना है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की घटनाओं के लिए क्लासेज जो आपको प्रोवाइड की गई है वो देखिए, बहुत ही कम्प्रेहेंसिव क्लासेज हैं, उनको रिवीजन के तौर पर जरूर शामिल करें। क्वेश्चन आपको क्लास से ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो स्पीडी या इजुटेरिया में से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी से, यानी 75 क्वेश्चन यहां हम करेंगे ही करेंगे, अब बचते हैं 25 क्वेश्चन, तो इन 25 क्वेश्चन को कहां से सही करना होगा। हालांकि आपके पास अभी क्वेश्चन बहुत हैं, क्वेश्चन आपके पास है 20 क्वेश्चन, 20 10 30 30 10 40 10 50 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चनों में भी आप जो है 25 से 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं 20, उसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी होती है। इंडियन ज्योग्राफी से लगभग 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड से 4 क्वेश्चन आए थे और बिहार के लिए 4 क्वेश्चन। बिहार ज्योग्राफी के लिए तो आपको वही दोनों बुक में एक बुक पढ़नी होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन आते हैं और वही बहुत ही कह सकते हैं लिस्टिंग टॉपिक होते हैं, यानी पर्वतों के बारे में, किसी झील के बारे में पूछ दिया गया, किसी द्वीप के बारे में पूछ दिया जाता है, तो आपको बहुत कंसेप्चुअल नहीं पढ़ना है, कुछ लिस्टिंग टॉपिक करने, वो आपको मैं वीडियो क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर की है, तो इंडियन ज्योग्राफी की आप क्लासेस लीजिए, बहुत जल्द आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसको देख लेंगे तो इनफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी के लिए तो महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, इसमें आप बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक जाके जो है कवर करेंगे, कंसेप्चुअल आप पढ़ना नहीं बैठेंगे। जो लिस्टिंग टॉपिक होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जैसे कुछ जनजातियां वगैरह पूछी जाती है, झूम की जो कृषि होती है डिफरेंट डिफरेंट देशों में उनको क्या कहते हैं, कुछ द्वीप होते हैं, पर्वत, पहाड़, झीलें, नदियां जो महत्वपूर्ण है उनको आप देखेंगे। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो स्वयं समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन 4 क्वेश्चनों को कैसे हमें सही करना है। इंडियन ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन आते हैं, महेश कुमार बनवाल की बुक अच्छी बुक होती है, और साथ में अगर क्लास देख लेते हैं तो इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी पे,
पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी के लिए जो सभी रिकमेंडेड करते हैं लक्ष्मीकांत की बुक। अगर आपने पहले से पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो अभी मत लाइए लक्ष्मीकांत की बुक। अब आपको जो प्रीलिम्स के लिए करना है वो लूसेंट की बुक लाइए, और इसमें लिस्टिंग जो टॉपिक होते हैं जैसे कि अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो गए, किस देश से संविधान में क्या शामिल किया गया है, कितने भाग हैं, उन भागों में क्या क्या है, अनुसूचियां कितनी है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो यही होते हैं, बाकी जो होते हैं वो दूसरे दूसरे टॉपिक से जैसे संसद से पूछ लिए जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संदर्भ में, लोकसभा राज्यसभा, तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए चाहे तो आप लक्ष्मीकांत की बुक से इन टॉपिक को तैयार कर लें। अगर लक्ष्मीकांत की बुक आपने नहीं पढ़ी है, बहुत मोटी है, अब 2 महीने में पढ़ेंगे तो केवल लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रह जाएंगे, इसलिए लूसेंट को आप पढ़ लीजिए, उसके साथ में घटना चक्र जो है सॉल्व कर लेते हैं, तो इन 10 क्वेश्चनों में आप आसानी से 6 से 7 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि 10 में आप 8 क्वेश्चन बना पाएंगे। देन आते हैं इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और ये 7 से 8 क्वेश्चन के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको पूरी इकोनॉमी नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में जैसे GDP GNP वगैरह क्या होती है, मुद्रा स्फीति पढ़ लें, इसमें भुगतान संतुलन के बारे में थोड़ा सा देख लें, पंचवर्षीय योजनाओं से एक क्वेश्चन आता ही है, गरीबी देख लें कि जैसे जो कमेटी बनी थी गरीबी से संबंधित वो कौन कौन से किस किस सन में बनी थी ये देख लें, प्रमुख समितियां यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट जो समितियां होती हैं, कर प्रणाली के बाद देख लें कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, राज्य सरकार कौन कौन से कर लगाती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं इसको देख लें, और थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम को देख लेंगे, और इसमें टॉपिक और शामिल कर लीजिए एग्रीकल्चर, जैसे कुछ एग्रीकल्चर जैसे MSP क्या होता है, MSP कौन निर्धारित करता है, जो इसकी राशि होती है कि गेहूं इतने रुपए क्विंटल होगा, ये कौन सी कमेटी बनाती है, तो इस चीज को देख ले, MSP वगैरह देख ले, कृषि से संबंधित सबसे ज्यादा उत्पादन खाद्यान्नों में देख ले कहाँ क्या होता है, अभी लास्ट ईयर मोटे अनाज के ऊपर काफी चर्चा हो रही, तो एग्रीकल्चर में ये महत्वपूर्ण टॉपिक देख ले। तो इन टॉपिकों को स्पेशल आप किसी भी बुक से जैसे रमेश सिंह बुक आती है या अन्य कोई भी बुक आती है वो देख ले, बाकी आपको UKIS की क्लासेस के माध्यम से पूरी जो है जो इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक हैं कवर करा दिए जाएंगे बहुत जल्द, तो आप उस क्लास को भी देखकर जो है इकोनॉमी अपनी तैयार कर सकते हैं, किसी बुक को ना पढ़े तब भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, रीजनिंग के लिए क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें जो 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर है, साथ ही अगर आप हो सके तो UPSC के जो CSET का पेपर होता है उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आप रीजनिंग में भी आसान टॉपिक को देखिए, आप अगर 5 से 6 क्वेश्चन बना लेते हैं तो इनफ है, उन कठिन टॉपिकों के ऊपर मत भागिए और उनके लिए कोई मैथमेटिक्स की बुक लाकर मत पढ़िए। तो अगर आपने 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग में सॉल्व कर लिया और 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमी में सॉल्व कर लिया, इकोनॉमी रीजनिंग मिला के अगर आप 10 यहां से सॉल्व कर ले रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आप यहां सॉल्व कर पा रहे हैं, ज्योग्राफी में 13 से 14, यानी ज्योग्राफी और पॉलिटी से 20 क्वेश्चन यहां कर ले रहे हैं, 10 यहां कर ले रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन ये हो जाता है, 75 हमने ऊपर सॉल्व ही कर लिया है, साइंस करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और हिस्ट्री से अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं वहां आपको ज्यादा मेहनत करनी है, और इन 4 सेगमेंट में फिर आप अगर 25 से 30 सॉल्व कर पा रहे हैं तो 100 एबव आपका टारगेट बन जाता है, और इससे आप आसानी से अपनी प्रीलिम्स कट ऑफ को पार कर पाएंगे। विविध से जो है 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना तो किसी बुक में मिलेंगे, वो केवल आयोग ही जानता है, तो उनके पीछे मत भागे, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये महत्वपूर्ण बुक है, आपको जो ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा मेहनत करनी है वो साइंस पे करनी है, जनरल साइंस पे, हिस्ट्री पे आपको मेहनत करनी है, करंट अफेयर्स पर और बिहार स्पेशल पर करनी है, बिहार स्पेशल से लगभग करंट अफेयर्स मिला के 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, तो बिहार को आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी ज्योग्राफी पॉलिटी और रीजनिंग इकोनॉमी को आप इस सीक्वेंस में रखेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं, इन सभी बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपनी क्लास के साथ में, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद। जय हिंद।